अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। एज न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। नाज़रीन, आज की खबर है बन्नागुड़ा रोड से, बन्नागुड़ा आरटीओ ऑफिस के मुतालिक न्यूज़। आज जो टैक्सी के जो प्लेट्स होते हैं नाज़रीन, उसके जो मुतालिका जो कागजात है, कागजात तो मुकम्मल ही रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो टैक्सी प्लेट है कि टैक्सी प्लेट्स के अंदर जो अपडेट होना चाहिए, जैसा इंश्योरेंस है, फिटनेस है और टैक्स, ख़ास तौर पर इन पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की नज़र रहती है और जो लोग इसको अपडेट नहीं करते उनको रास्ते में रोककर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर टैक्स, फिटनेस और इंश्योरेंस, ये तीन चीज़ें अगर मुकम्मल नहीं किए हैं तो आप फौरन मुकम्मल करवा लीजिए, वरना पुलिस आरटीओ ओहदेदार के मुताबिक इसके खिलाफ बहुत सख्त मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जो शायद 10 मई तक शायद जारी रहेगी। बहरहाल 10 मई तक व्हीकल सख्ती के साथ अमल आवारी होगी, इस बात का इशारा बन्नागुड़ा आरटीओ के व्हीकल इंस्पेक्टर सोलोमन राज ने आज मीडिया को इस ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया नाजरीन। लेकिन मजीद उनका ये भी कहना था कि इससे पहले भी मियाद में छूट देने के बावजूद गाड़ी के जो मालिकान है वो गफलत से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इसके नतीजे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप लोग से भी गुजारिश है कि अपनी जो गाड़ी कमाई है, टैक्सेस और फिटनेस ये जो है और इंश्योरेंस नाजिर यकी जानी, ये टैक्सी प्लेट के लिए अहम तरीन ज़रूरत होती है, इसको आप अपडेट करना चाहिए। लेकिन नाजिन शहरी ट्रैफिक पुलिस को और आरटीओ से मुतालिक उस आला अहदेदारों से इस जानब तवज्जो भी दिला रहे हैं कि बन्नागुड़ा रोड पर कई एक मुकामात पर सिग्नल्स की बेहद ज़रूरत है। उस रोड के ऊपर जो हाईवे को टच होती है, ये रोड पे सिग्नल्स नहीं रहने की वजह से अक्सर पेशर इस रोड के ऊपर हादसात रोनुमा हो रहे हैं। आवाम का ये भी कहना है कि ट्रैफिक का महकुमा चालानत के जरिए आवाम से करोड़ों रुपये जमा कर रहा है, लेकिन आवाम से किया हुआ पैसा अवामी सहूलतों पर खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस से अवामी शहरी सवाल कर रहे हैं। बात तो सही है नाजरीन कि आप जो चालानात, जो बेदरीक जो चालानात कर रहे हैं, चालानात के ज़रिए जो करोड़ों रुपए जो जमा हो रहे हैं सरकारी खजाने में, तो इसका इस्तेमाल भी आप वापस अवाम की सहूलतों के लिए करना चाहिए। रोड पर जो गड़े हैं उसको बंद करना चाहिए, खस्ता रोड्स बारिश की वजह से या किसी और वजह से या तामीरी एतबार से लोग खोद देते हैं, बाज़ दफ़े लापरवाही से जो है ना इसको जो है बिल्कुल लापरवाही से खोद देते हैं, गड़े हो जाते हैं। तो इन सड़क की साफ़ सफाई और सड़क के गड़ों को भरना और सड़क की बेहतरीन जो है ना तामीर करना और सिग्नल्स ख़ास तौर पे, और कौन से कौन बस बस ऐसी जगह है कि सिग्नल्स काम भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को, आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जो व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ सोलोमन राज साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके जो बन्नागुड़ा ऑफिस भी उसी रोड पर है, आप थोड़ा सा इधर आगे अगर चले जाते हैं तो कई एक मुकामात ऐसे भी जंक्शन से जहाँ पे सिग्नल्स की बेहद ज़रूरत है, तो आपसे गुजारिश है कि जो सिग्नल्स जहाँ पे ज़रूरत है वह सिग्नल्स भी लगाए, नस्ब करें, और जो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जाए। ये हम आपसे जो है ना आवाम ने गुजारिश की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोलोमन राज, मैं बन्नागुड़ा का आरटीओ ऑफिस का व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ। मैं हमारे कमिश्नर साहब ने हमारे को ऑर्डर दिए, दो तारीख से 10 तारीख तक व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं हम। अगर थोड़ा गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, टैक्स नहीं बने तो है, वो वन मंथ ग्रेस पीरियड दिए तो भी उसको लापरवाह कर रहे, इसलिए हमारा कमिश्नर ने हमारे को सख्त ऑर्डर दे दिए, पूरा चेकिंग करके गाड़ियाँ सीज करो बोल के। इसमें लारी है और छोटे गाड़ियाँ हैं, DCMA है, पूरे येलो प्लेट्स ओनली ट्रांसपोर्ट प्लेट्स। पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? पब्लिक के लिए अगर अभी तो भी सब देख के सुन के किनको भी सुनाए तो 10 आदमी बोल के हर टैक्स कब का जब अपडेट कर लिए कंप्लीट रही तो कोई भी आपका गाड़ी को नहीं रोके तो भी नहीं चाहिए, आप टैक्स हों दो, फिटनेस हों दो, इंश्योरेंस हों दो, ये कंपल्सरी रही तो गाड़ी बाहर निकालना, नहीं तो गाड़ी अंदर घर में लगा के रख जाना।